हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप दैट बढ़िया ही होंगे। सो हमने सेकेंड लेसन को समाप्त कर दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट लेसन यानी लेसन थर्ड यानी पार्ट तीसरे की बात करते हैं। देखिए इस लेसन का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में क्या कहते हैं जी? देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 3.1 को हम लोग स्टार्ट करने से पहले, 3.1 को हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे ताकि कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए और क्वेश्चन करते वक्त हम लोग को डाउट ना हो। चले जी, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका आखिर मतलब क्या होता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग लेसन्स में बढ़ेंगे। देखिए जी, मैंने कुछ लिख लिया आपके लिए ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे। देखिए लेसन थर्ड है क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पेयर, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ध्यान से देखेंगे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं, क्या होता है वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल। तो पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने पहले में बताया भी था, वेरिएबल्स क्या होता है जी, चर क्या होता है, यानी ऐसे वैल्यू जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, यानी ऐसे चीज़ें जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, चर कहते हैं। तो ये समझ में आया किसे वेरिएबल्स कहते हैं, यानी इसका मान कांस्टेंट नहीं होता, बदलता रहता है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी डी कुछ भी है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, अचर कहते हैं उसको, जैसे थ्रू है, थ्री है, फाइव, इनका वैल्यू हमेशा सेम टू सेम रहता है, आज भी वही है और हमेशा वही रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। चलिए जी, कन्फर्म हो गया ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं जी, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी बाई फोर ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, मतलब क्या जी, जब इन्हीं कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को हम लोग जोड़ लेते हैं, मतलब मिला लेते हैं, किसके द्वारा, चार ऑपरेशंस बताया जा रहा है, चार ऑपरेशन नहीं करना, ऑपरेशंस यानी जोड़ घटाना गुणा भाग या डिवाइड को ही, अपॉन वाला जो चिन्ह होता है बटा वाला, इसको मैंने लिखा हुआ, यानी चर अचर को जब एक साथ किसके द्वारा मिलाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग के द्वारा, जब हम लोग वेरिएबल कांस्टेंट को मिला लेते हैं तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ 6x² - 2x + y, यह क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए जी, इसके बाद आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब, अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब बीजगणितीय समीकरण, इक्वेशन समीकरण, अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं जी। देखिए इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीज व्यंजक को जब हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इक्वेशन, मतलब क्या जी, जब कोई भी बीज व्यंजक में जब किसका चिन्ह आ जाता है, जब वो चिन्ह आ जाता है इक्वल टू का विथ इक्वल टू साइन का आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन देखिए इक्वल यानी दोनों और बराबर हो जाए, जब कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज व्यंजक दोनों और बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन यानी समीकरण बोलते हैं। बीज व्यंजक के साथ क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है, तो उसको समीकरण, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या जी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब क्या है, उसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा, एक ही चर होगा, मतलब क्या, या तो एक्स होगा नहीं तो वाई होगा, मतलब एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि एक्स वाई दोनों, तो वो दो चर वाला हो जाए, टू वेरिएबल से होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एक चर होता है, वैसे ही इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने इसको लिखा हुआ। वन वेरिएबल विथ हाइएस्ट पावर वन, यानी कोई ऐसा चर वेरिएबल जिसका हाइएस्ट पावर यानी घात कितना है वन का, उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैं 5x - 18 = 3, यहाँ पर देख रहे हैं जी 5x - 18 = 3, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, अचर है, लेकिन यहाँ पे जो x दिख रहा है वह क्या है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये समीकरण बन रहा है ना, इसकल टू का चिन्ह है तो समीकरण बन रहा है ना, यह क्या दिखा रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण
कहते हैं। अब बात करते हैं, बहुत बार सॉल्यूशन या रूट की बात होती है, हल की बात होती है। तो देखो यह क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है रूट, हल किसे कहते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेक्स इक्वेशन इज इक्वल, मतलब ऐसा कोई वेरिएबल का मान, मतलब वेरिएबल मतलब क्या, चर, चर मतलब क्या, एक्स वाई जेड, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जब इसका कोई वैल्यू कुछ ऐसा मान रख दें कि ये दोनों और क्या आ जाए, बराबर आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू बोलते हैं। जैसे क्या मान रख दिया जाए यहाँ पे, क्या मान रख दिया जाए कि 5x का स्थान पर क्या मान रख दिया जाए कि उसको घटाने पर क्या आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए। तो निश्चित रूप से जानते हैं 21-18 होता है तो ये 3 आता है। निश्चित रूप से कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा यहाँ पे x के स्थान पे कि ये जो गुणा करने पर 5 से क्या आ जाए, 21 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं 21/5 अगर हम रख दें यहाँ पे तो 21/5 रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, -18 = 3 आ जाएगा। तो 21/5 यानी 21/5 क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल का वैल्यू रख रहा है 21/5, तो यह सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो 21/5 क्या हो जा रहा है, इसका सोल्यूशन यानी रूट यानी हल है, यानी कोई ऐसा मान वेरिएबल यानी अचर का, सॉरी चर का, जिसको रखने पे क्या हो जाए, इक्वेशन बराबर हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन यानी हल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या बात करेंगे जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी टू वेरिएबल्स, यानी ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो, टू वेरिएबल्स हो। अच्छा लीनियर इक्वेशन क्या होता है जी, मैंने पॉलीनोमियल में बताया था रैखिक समीकरण कैसे कहते हैं, जब हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 का हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। टू वेरिएबल्स मतलब दो चर, दो चर मतलब क्या, देखिए एक्स और वाई, यानी कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे ए और बी 0 ना हो, ए बी सी क्या रियल कॉन्स्टेंट हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रियल कॉन्स्टेंट हो, तो क्या है वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा, वह रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे 2x + 3y + 5 = 0, तो यहाँ पर देखिए टू वेरिएबल्स हैं, x और y क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यानी अलग अलग चर हैं, दो चर हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइएस्ट पावर 1 भी है, तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। पेयर, लेकिन चैप्टर में क्या दे रहा है, चैप्टर में तो यह दे रहा है जी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर पेयर की बात कर रहा है। तो पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स तो समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया आपको, लेकिन अब बात कर रहा है पेयर, पेयर यानी युग्म, युग्म की बात की जा रही है, जोड़े की बात की जा रही है चैप्टर में। तो देखिए युग्म यानी जोड़ा होता है, युग्म यानी पेयर जोड़ा होता है। देखिए यहाँ पर हमने टू लीनियर इक्वेशन दिखाया है, दो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण दिखाया है, x - 2y = 0 और 3x + y = 20। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है, ये दो पेयर बन रहे हैं, ठीक है, पेयर बन रहा है, तो क्या दिख रहा है, एक्स है, एक्स है इसमें भी है, वाई है, वाई है, यानी दो क्या हो रहे हैं, सेम टू सेम वेरिएबल्स है ना, दो सेम टू सेम चर है ना, सेम टू सेम, यह नहीं ना कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे जेड है, ऐसा थोड़े है। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो ये दोनों जानते हैं एक समान वाले जोड़ा बनाते हैं, यानी जूता का जोड़ा जूता में होता है, चप्पल का जोड़ा चप्पल में होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स और एक्स इसका भी है, वेरिएबल सेम, इसका वाई वाई मतलब समान है। तो इस तरीके से यह दो इक्वेशन क्या हो गया, पेयर बना लिए। तो ये दोनों किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस चैप्टर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हिंदी में किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं जी, हिंदी में वो सेटिस्फाई कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सेटिस्फाई यानी संतुष्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट आपको पूरा चैप्टर का मीनिंग क्लियर होगा कि चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और किसे हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा किसे कहते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन हल क्या होता है, इसका रूट यानी सोल्यूशन क्या होता है। देखिए एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी मान एक्स और वाई का, कोई भी पेयर ऑफ वैल्यू, कोई भी मान एक्स और वाई का जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर दे रहा है, यानी ऐसा मान रखने पे इक्वल टू या 20 आ जाए या इक्वल टू इसमें 0 आ जाए, एक्स वाई का मान रखने पे 0 आ जाए या यहाँ पे एक्स वाई का मान रखने पे 20 आ जाए, तो जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट या हल कहते हैं। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल मतलब रेखा गणितीय रूप से कैसे दिखाते हैं, माना जाता है
हर एक सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, इसका भी एक सॉल्यूशन हल होगा, एक्स वाई का मान। तो जो एक्स वाई का मान होता है लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में, वह क्या होता है, करस्पॉन्ड टू ए पॉइंट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब एक लाइन पे जाता है, वह क्या होता है, एक लाइन पे दिखाता है उसका मान क्या होता है, एक लाइन पे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बुक में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए बस इंट्रोडक्शन दे रहा है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें दे रहा है, आपने कुछ बता रहा है कि आपने ये पढ़ा वो पढ़ा, मतलब बता रहा है, जान जाएंगे समझ जाएंगे कि भैया क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे आपने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दे रहा है, ऐसे कुछ वैल्यू दे दे रहा है, और मतलब मैंने जो समझाया उसी को दे रहा है। उसके बाद दे रहा है कि इसका मान ऐसे ऐसे रखने पे इसका मान इतना आ जा रहा है, इतना इसका मान इतना आ जा रहा है, तो इसका सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आ रहा है, कह रहा है कि भैया यह सेटिस्फाई करने पर इसका मान इज इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसलिए यह एक सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे रहा है, सो एवरी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग, यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर एक सोल्यूशन किसी भी समीकरण का क्या होता है, एक लाइन के रूप में ज्योमेट्रिकली हम लोग उसको क्या दिखाते हैं, हम लोग उसको दिखाते हैं। इसलिए देखिए हिंदी में देख लेंगे, सेम टू सेम दे रहा है हिंदी में, क्या क्या दे रहा है जी, दे रहा है कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। बोला है कि किसी भी रैखिक समीकरण का सद रहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस वी प्लस सी इक्वल टू जीरो का प्रत्येक हल एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित करने वाली एक रेखा के बिंदु की संगतता और विलोमता भी ऐसा होता है। मतलब मैंने जो अभी समझाया है कि एक लाइन पे इसको दिखाया जा सकता है, उसी को यह समझा रहा है। चलिए जी आगे हम लोग देखते हैं क्या यह क्या कह रहा है, इंग्लिश में इसको क्या कह रहा है देखेंगे। तो क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि हर जो सॉल्यूशन होता है एक्स वाई का क्या होता है, लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल का, वो क्या होता है, एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करता है और उसका वाइस वर्सा करता है। चलिए जी क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, जोड़ी में होते हैं। तो जानते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस सी के रूप में होते हैं, तो जोड़ी होता है, इसलिए पहले वाले को किसी एक को क्या मान लेते हैं, ए वन, अरे एक्स वाई तो सेम रहेगा, बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो कॉन्स्टेंट होता है ए टू प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, देखिए ये जो मैंने बताया था ना अभी, तो यहाँ पर देखिए x x के आगे क्या है, वन है, तो वन क्या है, ए वन है। यहाँ पर देखिए y y के आगे क्या है, टू है, तो यह क्या है, बी वन है। यहाँ पर देखिए c कुछ नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो c क्या है, जीरो है। यहाँ पर देखिए a ए टू, ए टू क्या है, थ्री है। यहाँ पर देखिए भाई ए टू एक्स होगा, इसको मान लीजिए वन, ए वन माने तो इसको ए टू मानना पड़ेगा ना जी, क्योंकि x तो सेम होता है, वाई सेम होता है, और क्या होता है, c क्या होता है, सी वन सी टू अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए वाई के सामने क्या है, फोर है, तो बी टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। यहाँ पे सी टू क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा है कि ये बुक में क्या बता रहा है। यानी कहा जाए जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ए वन एक्स प्लस बी वन आई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू आई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। देखिए हिंदी में भी क्या है, सेम चीज़ कह रहा है कि भैया देखिए दो चरों x और y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इस तरीके से होता है, जहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए अब तीन केस होता है ज्योमेट्रिकली, यानी हम लोग जो रेखा गणित पे ग्राफ पे जो हम लोग इसका सोल्यूशन दिखाते हैं, तो तीन चीज़ पॉसिबल होता है। क्या जी हो, क्या क्या होता है जी, हम लोग जानते हैं कि भाई क्या है, इसका मान जब निकाल के हम लोग दिखाएंगे तो तीन चीज़ होता है, या तो यह पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक दूसरे को पूरा क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, या वो एक दूसरे के समांतर जाएंगे, या वे एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, कोइंसिडेंट करेंगे, यानी पहला इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद करने वाला, दूसरा क्या पैरेलल समानांतर, और तीसरा क्या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर, संपाति, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, संपाति कहते हैं। तो यह उदाहरण आपको समझ में आ गया कि तीन पॉसिबिलिटी होता है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होता है, पहला होता है कि भाई इंटरसेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, नहीं तो कोइंसिडेंट कर सकते हैं। हिंदी में देखेंगे तो इसी का हिंदी क्या दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है, कह रहा है कि भैया क्या कर सकते हैं, वे या तो प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर होते हैं, नहीं तो संपाति होते हैं। तो यह उदाहरण आपको समझ में आ गया, जब ग्राफ हम लोग दिखाते हैं, एक एग्जांपल देख लेंगे, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसी का तो इसी एग्जांपल को मैंने उठा के आपको समझाया था, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, x थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो। जानते हैं x और y का मान निकालते हैं, x और y का इसका पहला वाला टेबल का यह है,
और दूसरे वाले का यह है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, एक्स और वाई, यानी एक्स का मान जीरो रखेंगे तो वाई का मान भी जीरो हो जाएगा, एक्स का मान टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का मान वन आ जाएगा, एक्स का मान टू रखेंगे तो वाई का मान वन आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का मान जीरो रखेंगे तो वाई का मान फाइव आ जाएगा, यहाँ पर 20/3 रखेंगे तो वाई का मान जीरो आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स बनाने के बाद क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर हम लोग दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जानते हैं कि पहला वाला क्या था, पहला वाला यहाँ पर हम लोग देखे थे जीरो जीरो था, एक्स क्या था जीरो जीरो था। तो चलिए ग्राफ हम लोग दिखाते हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे एक, देखिए यहाँ पर जीरो जीरो दिखाया गया ना, ए बी क्या था, मैं थोड़ा सा दूसरा बुक लेना चाहूँगा, हाँ देखिए एनी मैडम ले ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्या था जीरो जीरो था, दूसरा क्या था टू वन था, टू वन था, तो टू वन को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब एक्स एक्सिस टू और वाई एक्सिस वन, तो जानते हैं ये पूरा एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो ये दो इधर गया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस वन गया, तो ये दूसरा पॉइंट मिला। चलिए जी समझ में आया। तीसरा देखिए सॉरी दूसरा समीकरण का पहला देखते हैं, दूसरा समीकरण का पहला क्या दिया है कि भैया जब एक्स को जीरो रखते हैं तो वाई का मान फाइव आता है, तो देखिए जीरो और फाइव, तो देखिए यहाँ पर मान लिया गया एक्स जीरो रखा गया तो वाई का मान क्या आया फाइव है, यानी एक्स जीरो है, अरे जीरो ही नहीं एक्स ये जीरो है और वाई का मान एक दो तीन चार पाँच, जानते हैं ऊपर वाला प्लस होता है तो जीरो फाइव आ गया। थर्ड में क्या देखेंगे, थर्ड में देखेंगे तो इस ये दे रहा है इसका मतलब इसका नेक्स्ट दे रहा है, अगर वाई जीरो रखते हैं तो एक्स का मान 20/3 आ रहा है, यानी वाई जीरो हाँ वाई जीरो रखते हैं तो एक्स का मान 20/3 है। तो चलिए छोड़िए रहने दीजिए उसको, हम लोग दो ही पॉइंट में क्या होता है दिखा देते हैं। तो माना जरा 20/3 क्या है, कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या है हम लोग इसको आसानी से दिखा नहीं सकते हैं ग्राफ पर, तो इसलिए छोड़ देते हैं इसको। इसलिए कहा जरा वाई इक्वल टू ले लेते हैं और एक्स इक्वल टू फोर, यानी आगे वाला जो है आगे वाला क्या है भाई पटा वाला बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आगे वाला एक्स फोर और वाई टू ले लेते हैं, तो फोर टू लेते हैं, एक्स क्या है फोर है तो फोर है या इस पॉइंट पे है, और वाई क्या है टू है तो वाई क्या है जरा टू है, एक्स फोर और वाई टू, तो इस तरीके से हमने मिलाया। और फिर जानते हैं यह जो पॉइंट है इसको जो एक लाइन तक खींचेंगे, और यह जो पॉइंट है और यह जो पॉइंट है इसको जो खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी फोर और टू पे दोनों लाइन आके मिल जा रहा है, तो ये फोर और टू दोनों पे आके मिल रहा है, तो यही क्या है फोर और टू एक्स और वाई का सोल्यूशन है, यानी इन दोनों वैल्यू में इन दोनों में एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन है वो क्या है फोर और टू है, यानी एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करते हैं। चलिए जी आगे वाला देखेंगे एग्जांपल में, तो कुछ ऐसा ही करके एक एग्जांपल लिया गया है, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, दोनों में आसान होता है उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे तो एक्स और वाई का मान रखा गया, इसका ये पहला यह टेबल है, इसका एक्स इक्वेशन का यह टेबल है, टेबल आपने नाइन्थ में बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा आपको तब समझा दूंगा कि आपको कैसे टेबल बनाते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो देखिए यह जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को काटेंगे ही काटेंगे, देखिए यहाँ पे पैरेलल चला जा रहा है, यानी एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो वाला लाइन यहाँ पे सीधे जा रहा है, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल जा रहा है समांतर जा रहा है। तो ये देखेंगे ग्राफ क्या होता है, तीन तरीके से जाता है, अभी हमने देखा था तीन तरीके से कैसे जाता है, या तो एक दोनों एक दोनों लाइन एक दूसरे को काट देती है, नहीं तो एक दूसरे को समांतर जाते हैं पैरेलल जाते हैं, नहीं तो यह कोइंसिडेंट करके संपाति करके एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। तो यह क्या था, यह था 3.1 का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए जी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, सब केयर।